जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बेंजीन का अणुसूत्र होता है, बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को कहा जाता है, तो फर्स्ट तत्व कहा जाता है क्षारीय धातु, इसी में सेकेंड तत्व को बोलता तो क्षारीय मृदा धातु हो जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलना के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो बर्जन। यह भी क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो विद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा। यह क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। CH4 में सिग्मा बंधन की संख्या कितनी होती है, तो CH4 सी के साथ कौन सी है, एच। कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने अणु, 4 गो, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 8 है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल का pH मान तो जानते होंगे 7 ही होता है। CH2 में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी है, तो सिग्मा बंधन इसमें नहीं होता है, नहीं है, इसीलिए पाई बंधन की संख्या कितना हो जाएगा, 2, सिर्फ 2 पाई हो जाएगा इसका आंसर। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, नेगेटिव ने ले लीजिएगा, BF3 दूसरा चीज है। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है, तो ऑप्शन नंबर डी PB शीशा का संकेत है, इसीलिए PB हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।